अब जैसे आप पैर के अंगूठे पर फोकस करो तो अंगूठा महसूस होने लग जाएगा, और फिर आप स्ट्रोंग मैसेज दोगे कि मेरे अंगूठे में दर्द है, दर्द है। अगर आप डीप चले गए, ट्रांस में चले गए, तो दर्द रियल में महसूस होने लग जाएगा। जैसे हिप्नोटिज्म के आपने प्रयोग देखे होंगे ना, कि नहीं कभी, ट्रांस में जैसे ले जा हाँ करके। हाँ, टीवी वीवी में देखा। एक मिनट होल्ड रखना। हेलो। हाँ, तो कार्टून जब समझ ले करनी, बिजी हुआ जदि काटा बंदो। अच्छा, यहाँ का देखिए, यहाँ सेमिनार वगैरह कर देते हैं या कितनी बात हो जाएगी देख सका क्या? बोके बंदो के भी इंट्रोडक्शन है, फिर मन भेज दी। इंट्रोडक्शन का मैं स्कूल में प्रोग्राम कराना चाहूँ, तू चल फ्री होके बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक। हाँ, तो हम बात कर रहे थे। हाँ, जमीन के गिरने वाला गिरने की। सोचने से हाँ, सोचने गिरने। से यहाँ महसूस होना, जैसे हिप्नोटिज्म की बात कर रहे थे। तो हाँ हिप्नोटाइज करके किसी को मिर्च खिलाई है मैंने, उसको कहा भी गाजर है, तो उसको गाजर ही लगेगी ना। अब किसी को कह दिया भी हाथ तेरा ऐसे अकड़ गया है, वैसे ही अकड़ जाता है। ऐसे प्रयोग हजारों बच्चों पर किए हैं, वीडियो पड़े हुए हैं, आप पर भी करेंगे। हिप्नोटिज्म का प्रयोग आप पर भी करेंगे, वो थेरेपी भी इस्तेमाल करेंगे, सारी थेरेपी इस्तेमाल करेंगे। तो ये है कि जो हम मन को कहेंगे वो मन मान लेता है। तो अब ये बात आपके अचेतन मन में चली गई है, अनकॉन्शियस माइंड ने मान लिया है कि भाई सोचा और आ गया, और शरीर के किसी हिस्से में आ गया, तो वो वैसी ही सेंसेशन पैदा कर देगा। अब आप पेट की सोचे हो, तो आप पेट की बजाय चाहे कमर की सोच लो, वो तो कमर में भी सेंसेशन महसूस हो जाएगी। चाहे आप थाइज में सोच लो, घुटने में सोच लो, कहीं सोच लो वहीं पर होने लग जाएगी ना। सिर में सोच लो वहीं पर वैसा ही फील होने लग जाएगा। नसें भारी सी, नसों में खिंचाव सा महसूस होने लग जाएगा। जहां भी आप फोकस कर लोगे वहीं मान लेगा ना। आंखों में सोच लो आंखों में आ जाएगा। कानों में सोच लो कि कानों में वीर्य निकल रहा है, इस धारणा को अचेतन मन में बिठा लो, कानों में महसूस होने लग जाएगा। कानों में दर्द हो या कोई भी सेंसेशन जो चाहोगे वो मान लेगा। तो शरीर तो मन का गुलाम है, जैसा मन शरीर को कहेगा मन वैसा मान लेगा। क्या समझे? मतलब जैसा मन सोचता है मानता है वैसा ही शरीर रिएक्ट करता है। रिएक्ट करना। मन कहेगा कि शरीर के यहां गिरा है, तो वहां वो फड़फड़ाहट या कुछ भी पैदा कर सकता है जो आप चाहते हो। हाँ तो फिर क्या है कि जो शरीर ने किया उसको आप हकीकत मान लेते हो, कि शरीर में कुछ सेंसेशन हुई तो ये भी रियलिटी है, हाँ नहीं तो शरीर में नहीं होती। हाँ तो मन ने की थी, शरीर तो मन के कहने से चलता है ना। अब आप मन को, मन मैसेज भेजेगा कि हाथ उठाना है तो ही उठाएगा ना। जब मन मैसेज नहीं भेजेगा तो नहीं उठा पाओगे ना। कंट्रोल किसके पास है सारा, बताओ? मन के पास। हाँ, तो शरीर तो गुलाम है, तो शरीर की बातों को तो सच माना ही नहीं जा सकता। शरीर जो कर रहा है वो अपने आप थोड़ी ना कर रहा है। दो चीजें हैं, जैसे एक तो होता है ना ऑटो नर्वस सिस्टम, एक होता है ऐच्छिक नर्वस सिस्टम, एक होता है अनैच्छिक। कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे हाथ आप सोच के हिला सकते हो, जैसे खून का चलना अपने आप है, वो कंट्रोल में नहीं है ना। तो कुछ तो ऑटोमेटिक चीजें होती हैं, वो सोचने से नहीं रुकती हैं, और दूसरी कुछ चीजें हैं जो सोच से चलती हैं। तो आपका दोनों में गड़बड़ाहट शुरू हो गई है, दोनों ही सिस्टम गड़बड़ हो गए हैं। कि वीर्य बनना निकलना वो ऑटोमेटिक है, उसको आप सोच रहे हो कि मेरे सोचने से निकलता है। भी जो ऑटोमेटिक ऑटो नर्वस सिस्टम का भाग है, उसको भी तो आपने अपने सोच के अनुसार जोड़ लिया कि मेरे सोचने से ही होगा। सोचने से वो निकलता ही नहीं है, सेक्सुअल थॉट से ही निकले। हाँ, निकलता होगा वीर्य, मैंने सोच लिया तो वीर्य निकल गया या वीर्य इकट्ठा हो गया। सोच नहीं, सेक्सुअल सोच। हाँ, सेक्सुअल सोच ना, एक ही बात तो है। तो वो सेक्सुअल सोचना एक हाथ में है, भी हम सोच भी सकते हैं ना भी सोचें, वो हमारे हाथ में है ना काफी हद तक। लेकिन मेरे हाथ में नहीं था शुरुआत शुरुआत में देखो,
अपने बहुत सारी चीजें अपने हाथ में होती हैं, फिर वो आदत बन जाती है, फिर वो हमारे हाथ में नहीं रहती है। शुरुआत तो हाथ से ही होती है, जैसे बंदा शुरुआत में तो दारू को पीता है ना, अपनी मर्जी से पीता है, फिर दारू बंदे को पीती है ना। अच्छा सर, एक बार समझाने पे मान लीजिए समझ गया कि सोचने से नहीं गिरता है, जैसा कि आपने समझाया भी, तो यहाँ कहीं शरीर में रहता ही नहीं तो गिरेगा कैसे, सोच लिया थोड़ी देर के लिए और रिलीफ हुआ, फिर उसके बाद डर के रूप में आना शुरू हो जाता है, डर के रूप में फिर उस पता नहीं कैसा आना शुरू होता है, मतलब उसी तरह का कि गिरने वाला से संबंधित आना शुरू होता है, तो वो तो मुझे मेरा दिमाग मतलब जानता है कि हाँ आ रहा है, वो सब साथे थाटे फिर आ रही हैं, फिर इधर की तरफ ढकेलना शुरू हुआ हो रहा है, तब फिर हम वही चीज सोचते हैं, तब उतना असरदार नहीं होता जितना पहले पहले था, यही थॉट कि हाँ बीट्स नहीं गिरता है, अब उसको फिर बार बार सोचना पड़ता है, अरे सोचने से तो नहीं गिरता है, हाँ वो याद रखना पड़ता है। लेकिन हाँ लेकिन उतना सही काम नहीं करता है इसके आगे, वो ये ज्यादा स्ट्रोंग कंडीशनिंग है ना, तो लॉजिक से उतनी बात नहीं बनेगी, लॉजिक के साथ दूसरी थेरेपी भी तो प्रयोग करेंगे ना। हाँ वही, हाँ तो पहले एक बार आप लॉजिक से समझ जाओ, फिर दूसरे तरीके से समझेंगे ना, पहले एक बार एजुकेट तो हो जाओ ना, फंक्शन तो समझ लो ना कि सत्य क्या है असत्य क्या है, पहले ये तो जान लो कि जो मैं सोचता हूँ वो असत्य है, ऐसा होता नहीं है, फिर भी वो आ रहा है, वो तो बीमारी है ना, पहले इतना तो जान लो कि ये मेरी है बीमारी और ये ऑटोमेटिक हो रहा है, ये बीमारी की वजह से हो रहा है, ओसीडी की वजह से हो रहा है, पहले ये जान लो ना, ये ओसीडी का विचार है कि जो हो जाएगा, ये रियल विचार थोड़ी ना है, तो आप पहले इसे रियलिटी मानना बंद करोगे तभी आगे की चीजें काम कर पाएंगे, अभी तक तो रियलिटी मानना मान ही रहे थे। तो पहला स्टेप है कि रियलिटी मानना बंद करना होगा, फिर कांटा निकलेगा ना, पहले तो ये तो मान लो ना भी कांटा है, भी कांटा है मतलब ये फेक सोच है, ये तो क्लियर हुई, या अभी भी और मैं कुछ लॉजिक दे के कुछ और तर्क दे के समझाऊं? नहीं, मतलब अगर हम सनसनाहट सेक्सुअली सोच रहे हैं, सनसनाहट शुरू हो रहा है तो सीमेन नहीं गिरता है, निकलता वो है। तो सोचने से, सनसनाहट तो सोचने से जुड़ी हुई है ना, वो ही पड़ा रहेगा, वो तो यहाँ थैली में है जैसे अंडकोश में, तो वही पड़ा रहेगा, वहां से उठ के कैसे चला जाएगा शरीर में, कोई सेक्सुअल थॉट से, सेक्सुअल स्टिमुलेशन से, वो वही रहेगा, सेक्सुअल स्टिमुलेशन से ही तो सीमेन निकलना चालू होता है, वो तो निकलना चालू नहीं होता, वो तो वो इकट्ठा है थैली में, निकला ही पड़ा है ना, वो अब बाहर आएगा एक्टिविटी के बाद, मतलब दोनों सेक्सुअल सेक्सुअल मतलब मेंटल थॉट सेक्सुअल संबंधित और एक्टिविटी फिर बाहर आता है, फिर बाहर आएगा, हाँ भी थॉट से ही तो एक्टिविटी करने का मन करेगा ना, अगर थॉट ही नहीं है तो आप एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे ना, हाँ लेकिन थॉट आते ही वो निकल नहीं जाता है, बिना एक्टिविटी वो निकलता नहीं है, हाँ। वो वहीं पड़ा रहेगा, लेकिन शरीर में कहीं और नहीं पड़ा रहता, वो एक ही जगह रहता है, जैसे पेशाब शरीर में कहीं और नहीं है, वो पेशाब की थैली में ही है, जब आप बाहर करके आओगे तभी बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं है कि आपने पेशाब के बारे में सोच लिया घुटने में निकल गया, अब घुटने से निकालने के लिए आप पेशाब करने जा रहे हो, तो जब घुटने में पेशाब निकला ही नहीं तो जो निकल रहा है वो तो थैली से ही निकल रहा है, नली होता होगा, हाँ हाँ सीमेन वाला, हाँ वो सीमेन वाला, तो उसमें लिंग्स और वहां से जुड़ा होता है ना पावर हाउस से, उसके अलावा पेट में कोई नली नहीं है, यहाँ नली नहीं है, वहां चला जाएगा, हाँ पेट में चला जाएगा, घुटने में ऐसे नलियां नहीं, कोई पाइपलाइन बिछाई हुई है, क्या समझे, ये दिमाग ने बिछाई है ना पाइपलाइन, तो ये दिमाग की पाइपलाइन है, रियलिटी में शरीर में नहीं है, क्या समझे, बोलो बताते जाओ, हाँ वही समझे सर, पहले तो जैसा मैंने बताया कि लगता था कि जो सोचने पर जब सनसनाहट होती थी और प्लेजर मिलता था तो लगता था यही कहीं से चू गया होगा, तो बाद में मैंने जाना किया नहीं यहाँ बनता है, इसमें भी भ्रम आने लगा यहाँ कहीं आता होगा, हाँ वो सोचने को तो देखो ऐसे तो आप अपनी जीव में सोच लें तो कौन रोकने वाला है ना, रिमूव नहीं होता था कि मान लीजिए यहाँ अंडकोश का सोच लिया कि नहीं यहाँ तो नहीं बनता, तो
दूसरा तरह के थाट में उलझा देगा कि यहाँ गिरता, यहाँ तो आता होगा, जैसे मैंने बताया कि पैसे हस्तमैथुन कर रहे हैं तो निकलने वाला रहता है तो बंद कर दें तो यहाँ तो आ गया होगा, यहाँ यहाँ तो पड़ा रहा होगा। तो आपने कहा कि नहीं ये फिर निकलेगा ही, यही ना। हाँ, वो सोच रहे नहीं यहाँ रह गया होगा, ये तो अपना यहाँ नहीं, अंदर नहीं जाता है, फिर सीमेंट अंदर नहीं जाता है, अंदर वापस नहीं जाता है, वो वहां रुक गया तो वो इच्छा बनी रहेगी, उसको निकालना ही पड़ता है ना। मान लीजिए ना निकाले तो, ना निकाले तो वो फिर ऐसा रह होता नहीं है ना, बिना निकाले शरीर फिर ऑब्जर्व नहीं कर लेता, ऑब्जर्व नहीं होती चीजें, वो शरीर पिएगा नहीं ना, वो ऑब्जर्व नहीं होता ना शरीर में कोई भी चीज, जैसे पोटी, आप पोटी बीच में रोक दी तो वो उसी नाली में पड़ी रहेगी ना, ऐसा तो नहीं है कि उसे वो नाली ऑब्जर्व कर लेगी उसे, बताओ ऐसा नहीं होता ना। पेशाब आपने बीच में ब्रेक कर दिया तो वो शरीर ऑब्जर्व तो नहीं करेगा ना, या करेगा? नहीं, इस हिसाब से तो नहीं करेगा, लेकिन पेशाब और सीमेन में अंतर भी तो, अंतर देखो सिर्फ उनमें जो बायोकेमिकल है, वेस्ट प्रोडक्ट है। हाँ, वेस्ट प्रोडक्ट मल और पेशाब तो वेस्ट प्रोडक्ट तो निकलेगा ही, उसको कहां ऑब्जर्व करेगा शरीर। हाँ, तो वीर्य क्या है कि वो भी बीज के लिए है ना, तो ऑब्जर्व करके क्या करेगा वो, ऑब्जर्व करना होता तो फिर अंदर ही कर लेता ना, अंडकोश से भी तो ऑब्जर्व कर सकता है शरीर है, तो वहां से ही कर लेता शरीर ने ऑब्जर्व भी करना था तो। जैसे आंसू है, वो आंसू ग्रंथियां उनमें ही है ना, वो निकल आता है, आंसू रोना रोना बंद हो गए तो वो ऐसा थोड़ी ना कि वो ऑब्जर्व कर लिया, वो ग्रंथियों में है नहीं, जब फिर से फीलिंग आएगी वो फिर से बन जाएगा, या फिर से आंसू की धाराएं वो पहने लग जाएंगी ना, ऐसा ही है। तो ऐसा तो नहीं आंसू आंखों की बजाय भी घुटने से निकल गया, ऐसा होता है कभी भी? आपको लगा भी मेरे मन में रोने वाला विचार आ गया और मेरा आंसू घुटने में निकल गया, ऐसा हो सकता है? आप घुटनों से कभी रोए हो? नहीं। क्यों? आप जब वीर्य जब दिमाग से चला लेते हो तो फिर घुटने से भी तो रो सकते हो। वो तो सोच की बात है। हाँ, तो ये दोनों ही सोच की बात ही तो है, एक रियल कैसे हो सकती है फिर? देखो अब आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा, सोच की बात है, तो फिर भी वीर्य वाली भी कैसे असलियत होगी? वैसे ही वहां के जाके थोड़ी ना चलाता होगा, मतलब यहाँ से ताकत मिलती होगी। देखो वीर्य में कोई ताकत ऐसे थोड़ी ना है, अब जिनके वीर्य नहीं निकलता बीमारी होती है, वो फिर क्या बिना दिमाग के घूमते हैं? वीर उनके में बनता होगा ना। नहीं, देखो बहुत सारी बीमारियां हैं, वीर्य में कोई प्रॉब्लम आ गई, हाँ तो 60 साल के बाद तो वीर्य बनना कम हो जाता है। वैसे ये लॉजिक सही नहीं है कि वीर मतलब दिमाग पेट्रोल से चलता होगा, पता नहीं कहाँ से लिखे पड़े, बेवकूफ कुछ भी लिख सकता है। अब वो तो कह देंगे रामायण के जमाने में हेलीकॉप्टर थे, वो तो कह देंगे हमारे ऋषि मुनियों के पास हवाई जहाज थे, तो भाई हमें फिर लेके तो अमेरिका वाले यहाँ भी तो कुछ लोग लिख ही देते हैं, लिखने को क्या, कोई जीएसटी थोड़ी ना लगता है लिखने में, कुछ भी लिख दो, हाथ में जिसके कलम है वो फुकरा ही लिखेगा। अब जो खुद नपुंसक है वो ये थोड़ी ना लिख देगा संबंध बनाओ, वो तो ये कहेगा संबंध बनाना पाप है, क्या सही लिखेगा वो? नहीं। अब जो नामर्द है वो क्या लिखेगा किताबों में, बताओ? स्त्री की देख तरफ देखना पाप है। तो ऐसे ही वो होते हैं साले, उनकी बातों में कहां सच्चाई है? नहीं, एजुकेटेड भी पता नहीं, तो एजुकेटेड डिग्री लेने से पीएचडी करने से कोई एजुकेटेड थोड़ी ना होता है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग, इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है, भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम,
बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको OCD से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब, भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।